हेलो फ्रेंड्स, विन स्टार एकेडमिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसपे हम आपको डेली शॉर्ट नोट्स के PDF प्रोवाइड करवाते रहते हैं आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूँ, UP SSC मंडी परिषद के एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और साथ ही साथ आप लोगों को अब बहुत कम समय मिलने वाला है तैयारी के लिए। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें और इस वीडियो में हम आपको UP SSC से जुड़ी कुछ और भी खबर देने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको मंडी परिषद की एग्ज़ाम डेट बता देते हैं। इससे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें, हमारे चैनल द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के ARO की एग्ज़ाम डेट को लेकर एक वीडियो बनाया गया था, जिसमें हमने बताया था कि हाई कोर्ट ARO का एग्ज़ाम जो है वो 25 फरवरी से पहले ही कराया जाएगा। और दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आपका एग्ज़ाम जो है ARO का वो 24 फरवरी और 25 फरवरी को APS का एग्ज़ाम होने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका नोटिस भी आ गया है। तो दोस्तों, हमारे चैनल द्वारा आपको बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़ दिखाई जाती है, बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़ दी जाती है, आपको अफवाहों से दूर रखा जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि UP SSC की मंडी परिषद का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 20 मार्च से पहले ही करा लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 20 मार्च से पहले ही करा लिया जाएगा, लगभग 14 मार्च से 20 मार्च के बीच ही इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। दोस्तों, 14 मार्च से 20 मार्च आपका एग्ज़ाम डेट होने वाला है। इसी बीच में आपको दो डेट मिलेंगे, दो दिन आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, चार शिफ्ट में, प्रतिदिन दो शिफ्ट एग्ज़ाम कराया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आगे आचार संहिता लागू होने वाला है, जिससे ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और ना ही किसी नोटिफिकेशन का एग्ज़ाम कराया जा सकता है आचार संहिता में। तो दोस्तों, यही एग्ज़ाम डेट आपका होने वाला है और जल्द ही दोस्तों UP SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड एक नोटिस देखने को आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को केवल एक महीने ही मिलेंगे अब प्रिपरेशन के लिए, इसलिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो युवा विकास दल अधिकारी के पैटर्न पर ही आधारित है, सेम पैटर्न है, इसलिए आप लोग युवा विकास दल अधिकारी के सभी पेपर को सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपको पेपर का लेबल जो है वो उसका अनुमान लग जाएगा। मैं जानता हूं दोस्तों, अभी आपको ये खबर फेक लग रही है, लेकिन जल्द ही इसकी ऑफिशियल नोटिस आपको देखने को मिलेगी UP SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और दोस्तों, आपको एक और खबर दे दें, 20 से 25 फरवरी के फरवरी के लास्ट वीक तक आपको बता दें, UP SSC अपने कई सारे रिजल्ट घोषित करने वाला है, लगभग 3 से 4 रिजल्ट भी घोषित करेगा। तो UP SSC जुड़ी दोस्तों ये सभी खबर हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई और नोटिस पाना है तो हमारे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले हमारे चैनल द्वारा आपको लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।